एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 22nd ऑफ जून के इस न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। द हिंदू के एनालिसिस हम लेकर के आते हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो कि हमें याद रखनी है। तो सबसे पहला जो फ्रंट पेज है उसमें आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट डिसीजन को कि एक्सग्रेशिया पेमेंट पर क्या उनका डिसीजन होने वाला है। एक्सग्रेशिया जो पेमेंट है वो कोविड-19 से जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जिनके ब्रेड ओनर मतलब जिनके मुखिया की डेथ हो गई है, तो ऐसे फैमिलीज के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट है वह सुप्रीम कोर्ट ने वहां सरकार से पूछा है। इस न्यूज में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस तो था नहीं, बट इतना जरूर इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सग्रेशिया पेमेंट और अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं उनके हेल्प के लिए यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आंसर राइटिंग में तो आप वहां ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक और न्यूज है, रिकॉर्ड 82 लाख शॉट्स हैज बीन गिवन इन अ डे। ये जो है वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन में जो कहा गया है कि गाइडलाइंस आई थी 21st of June वाली कि जो 21st of June से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्री वैक्सीनेशन चलाया जाएगा फॉर 18 to 44 ईयर्स जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए, तो उसी के सीक्वेंस में 82 लाख जो है वहां प्रोवाइड कराए गए। अब थर्ड न्यूज, CBSE ने कहा है कि जो ऑप्शनल एग्जाम्स होंगे वो 15 अगस्त से 15 सितंबर। दिस न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े, फर्स्ट पेज में तो इतना ही कुछ था, सेकंड पेज में आप बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पे राष्ट्रपति जी की फोटो दी हुई है और यहाँ पर उनको योगा करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि कल हमने क्या मनाया, 7th International Yoga Day, दैट इज 21st of June। ये आपको याद रखना है वनडे एग्जाम वाले जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो राष्ट्रपति भवन है इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ उसकी फोटो लगाई गई है। ये जो गार्डन है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्रपति भवन में स्थित गार्डन का नाम क्या है। ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें सारी की सारी न्यूज जो है वह इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। फिर से यहाँ पर वही वैक्सीनेशन की बात की गई है। वैक्सीनेशन इज अगेन नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बार बार न्यूज फॉलो अप होती रहेगी। और आगे अगर हम देखें तो कोविड 19 के जो केसेस हैं वह अब कम होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है, न्यू गैस स्टोर डिजाइन। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, इस न्यूज में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो ये किसके लिए है, तो फॉर द PNG कंज्यूमर्स। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है देहरादून, उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया है फॉर अ न्यू गैस स्टोव। ठीक है, 10 लाख जो यूजर्स हैं हमारे, अब PNG क्या होता है, तो पाइप्ड नेचुरल गैस यूजर्स हैं जो कि दिल्ली में है, उनके लिए जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, PCRA, उन्होंने डिजाइन किया है एक न्यू गैस स्टोव। जो गैस स्टोव है अकॉर्डिंग टू PCRA इज जो एक मतलब PCRA जो है वो एडवाइजरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये क्या करेगा, जो नेट गैस स्टोव है दैट विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक पाइप्ड गैस एंड ब्रिंग डाउन द मंथली बिल्स अप टू 25%। तो गैस कंजम्पशन को कम करेगा जिससे कि जो बिल है वह कम हो जाएगा। ठीक है, जहां पाइप्ड गैस होता है वहां मंथली आपको बिल पटाना पड़ता है, नॉट एज कि आपको सिलेंडर लेकर के वहां कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जो PCRA है उन्होंने इस चीज को डेवलप किया है और जो डिजाइन था वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम दैट इज देहरादून ने तैयार किया था। ठीक है, जो कि एक कन्वेंशनल LPG स्टोव्स की तरह ही दिखता है, बट जो वेस्टेज है गैस का उसमें रिड्यूस किया गया है डिजाइन को चेंज करके, और जो नोजल है, बर्नर है और पैन सपोर्ट है उनको क्या किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ किया गया है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जो PNG कंज्यूमर्स के लिए गैस स्टोव डेवलप किया था वो किसने किया, ये आपको याद रखना और UPSC वाले PCRA को जरूर एक बार देख लें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नॉर्थ एंड ईस्ट वाले पेज में। जो इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पर है वह है ये इंदिरा गांधी कैनल।
ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह इंडिया की क्या है, लॉन्गेस्ट कैनल है, ठीक है, और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है थार डेजर्ट को। तो इंदिरा गांधी कैनल का यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रहा था, लाइनिंग को रिपेयर की जा रही थी, बाउंड्रीज को, और उनके जो मेंटेनेंस वर्क था उसको रिकॉर्ड डे में कंप्लीट किया गया। यही न्यूज यहाँ दिखाई गई है, 70 किलोमीटर की रिस्टोरिंग की गई है विद इन 60 डेज, ठीक है, रिकॉर्ड 60 डेज पीरियड में। और प्रोजेक्ट में यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्मी कंटोनमेंट है उनके पास कैटल्स के लिए और इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में वहां पर जो पानी है वह दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करती है इंदिरा गांधी कैनल फॉर द खास करके जो हमारा थार डेजर्ट है, राजस्थान वाला एरिया वहां पर, ठीक। इंदिरा गांधी कैनल के बारे में आप थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लीजिएगा क्योंकि अब यह क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसी के नीचे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ दिख रही है, बीटी कॉटन से रिलेटेड। आप सभी को पता है बीटी कॉटन जो है वह मॉडिफाइड कॉटन का रूप है, आगे देखेंगे इसमें। और इसमें स्टडीज ने कहा है कि इट शोज सम बेनिफिट, अब क्या बेनिफिट दिया है वह देखते हैं। तो जो डिबेट थी कि बीटी कॉटन जो है वो पॉजिटिव होगा उसका इम्पैक्ट या निगेटिव होगा, तो उसमें एक रिसेंट स्टडी आई कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ बीटी कॉटन वह नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पर एक कहा गया है कि इट हैज रिजल्टेड इन नेट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। तो अब यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की गई है। रिसर्च में ये कहा गया है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, उनको उनके एक स्टडी में उन्होंने पाया है कि जो बीटी कॉटन है वो क्या करेगी, जो कॉमर्शलाइजेशन है बीटी कॉटन का खास करके, ठीक है, और जो इंसेक्टिसाइड्स का जो यूज है उसमें रिडक्शन किया गया है बाय द यूज ऑफ इन द यूज ऑफ वॉल्यूम एंड एप्लीकेशन, डिक्लाइनिंग इन एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट एसोसिएटेड विद इंसेक्टिसाइड यूज। उसके अलावा जो हाईली हैजार्डस और रिस्कीएस्ट इंसेक्टिसाइड्स हैं एंड रिडक्शन इन एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द इंसेक्टिसाइड यूज। तो कुल मिलाकर ये बात की जा सकती है कि जो बीटी कॉटन में इंसेक्टिसाइड का जो यूज है उसको कम किया जा सकता है, उसको उसमें रिडक्शन आया है। अगर इंसेक्टिसाइड्स किसी प्लांट्स में आते हैं तो उनका जो बायो मैग्निफिकेशन होने के बाद ह्यूमंस में आने का भी जो फिनोमिना है वह भी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मान लीजिए कि हालांकि कॉटन इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूमेबल बट इट मे पास ऑन टू द अदर इंसेक्ट्स एंड देन इंसेक्ट्स थ्रू वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर एक बात जो है वह यहाँ कही गई है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां दिखता है। उसके बाद फंजीसाइड्स का भी जो यूज है जो कि 2003 और 4 में अप्लाई किया गया था, नहीं किया गया था, उसी में ही इसकी बात कही गई है। अब डिस्कवरी जो हुई थी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स की 1940s में हुई थी, विच वॉज वहां पर प्रोक्लेम किया गया था उन्हें सिल्वर बुलेट टेक्नोलॉजी। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, सिल्वर बुलेट टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। अब जो रिलायंस है बीटी कॉटन का विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग इट इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जो व्हाइट फ्लाई का आउटब्रेक हुआ, ठीक है, व्हाइट फ्लाई सफेद जो बोल सकते फ्लाई है उनका नॉर्दर्न इंडिया में, और पिंक बॉलवॉर्म ये वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा 2015 में। तो रेजिस्टेंस हुआ कि बीटी कॉटन जो है वह सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बन गया है, एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और बीटी विद द आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के साथ में अगर हम बीटी कॉटन को यूज करें तो इंडस्ट्रियल का जो इंडस्ट्री जो है वह उतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो स्टडी आई है उसमें ये ऐसा कोई भी अनुमान अब नहीं लगाया गया है, ठीक। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थरेंजेनेसिस, इसका फुल फॉर्म है बीटी कॉटन का बैसिलस थरेंजेनेसिस, इसको आप जरूर से एक बार देख लेंगे। और यहां याद रख लेंगे कि जो बीटी कॉटन है वह कब आया था, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देख लेना है, एक बार हिस्ट्री या गूगल करके आप जरूर देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, और यहाँ पर जो एक न्यूज है आप देख सकते हैं कि जो नोबेल लॉरेट हैं एस्थर डफलो,
उनको तमिलनाडु ने अपने एडवाइजरी बोर्ड में स्थान दिया है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल उन्होंने बनाया है। रघुराम राजन जी भी उस काउंसिल में शामिल किए गए हैं। तो ये एक स्टेट न्यूज तो है, लेकिन एस्टर डफलो जो है वह इंटरनेशनल फिगर है, तो उनका नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। बट क्वेश्चन यहाँ से आपको शायद ही पूछा जाए, वनडे एग्जाम वाले एक बार देख सकते हैं। उसके बाद इस पेज में तो मुझे कोई ऐसी न्यूज नहीं दिखी। देखिए, जो कोरोना का केसेस है उससे न्यूज कभी भी नहीं बनती है। स्टेट ऑफ, ये जो एडिटोरियल पेज है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज। अब यहाँ पर जो ऑथर ने कहा है वह एब्जेक्ट पॉवर्टी की बात की है, और इकोनॉमी को यदि रिपेयर करना है तो हमें नंबर ऑफ पुअर्स को काउंट करके उनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड इंडिया या पॉवर्टी इन इंडिया पर यदि कोई आर्टिकल आपको आता है तो आप ऐसे में आंसर राइटिंग में उसका यूज कर सकते हैं। मैं जब पेपर पोस्ट करूंगा तब आप उसे पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर, वहां पर आपको कुछ फैक्चुअल डेटा और कुछ मिल सकता है फॉर राइटिंग द आंसर्स। राइजी, जिन्होंने ईरान में क्या किया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता, उन पर एक आर्टिकल आया हुआ है कि विथ राइजेज इन द सैडल द रोड अहेड फॉर ईरान। ईरान पर अब उसके आगे की रणनीति तय की जाएगी। ठीक है, तो दिस इज जनरली यू कैन से पॉलिटिकल न्यूज रिलेटेड विथ, सो उतना ज्यादा हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। इंडिया की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर बार बार ये आर्टिकल आता रहता है, आप जरूर पढ़ते रहिएगा, बट ये जो चीजें हैं ये डेली करंट अफेयर्स पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिटी पढ़ने वाले इस आर्टिकल को जरूर देख लीजिएगा, टुवर्ड्स अ मोर फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारा ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर ये आर्टिकल आया हुआ है कि स्टेट्स जो है वह मोर टैक्स कलेक्ट करेंगे और दे विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि ऐसा करते हैं तो उनका डिपेंडेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर कम हो जाएगी। इस पर एक चीज आया हुआ है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है उस पर, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डिस्कस बार बार नहीं करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ से कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। LET के जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें किल किया गया है, ठीक है, लश्कर ए तैयबा के, तो ये तो खैर ऐसी कोई न्यूज जो है वो आती नहीं है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है अबाउट द डिफेंस प्रोक्योरमेंट। आर्मी को जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे 2022 दिसंबर तक। ठीक है, AK सूरी जी की फोटो आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी जी, उनके द्वारा जो आर्मी एविएशन को हेड किया जाएगा। यहाँ पर जो चीता फ्लीट था और चेतक, ये दो हेलीकॉप्टर के जो फ्लीट्स हैं वह उनका जो है वह एज हो गया है, मतलब वो बहुत पुराने हो चुके हैं, और उनके जगह में जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है LUH, उन्हें 2022 के एंड में इंडक्शन किया जाएगा। जो हेलीकॉप्टर्स है उन्हें हॉल के द्वारा बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स हैं, इसको भी आपको याद रखना है। जब वह इंडक्ट हो जाएंगे तब अगर उनका कोई नाम रखा जाएगा तब हम वहां पर और न्यूज को कवर करेंगे। यहाँ पर एक न्यूज आई है कि जो कल योगा डे मनाया गया उसको यहाँ कवर किया गया है, और इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, और उस PM ने योगा डे के अपने स्पीच में कहा है कि जो इनर स्ट्रेंथ है वह आपका डेवलप होता है। ये जो फोटो है यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे जवान यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा, इन्हें कहा जाता है हिमवीर्स, और ये कौन से से बिलोंग करते हैं, तो ITBP के जवान है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और हिमवीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये योगा जहां परफॉर्म कर रहे हैं उस जगह का नाम लद्दाख में जो है वह पेंगोंग तसो लेक है, और ये जो पीछे आप लेक देख रहे हैं ये लेक के आप बोल सकते हैं बैंक में ये परफॉर्म किया जा रहा है योगा, और इसको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। पेंगोंग तसो लेक इंपॉर्टेंट साइट है लद्दाख में, और लद्दाख को आप कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आपको यहाँ याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, बाकी योगा डे पर तो ऐसा है सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, वन डे एग्जाम वाले याद रखें 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज योगा डे। फिर एक न्यूज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे CDS हैं
जनरल विपिन रावत जी, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की है फॉर द थिएटर्स कमांड। अब ये थिएटर्स कमांड क्या है, तो जो एक चार तरह का इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड बनाने की बात चल रही है उस पर यह मीटिंग थी। और यहाँ पर जो मीटिंग की गई उसमें एयर डिफेंस एंड मैरिटाइम थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर एंड इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड आर बीइंग प्लान्ड, ये इसकी प्लानिंग चल रही है। जब यह मूर्त रूप में हो जाएगा तब हम इसकी बात और करेंगे। यहाँ पर जो CDS हैं जनरल विपिन रावत जी, उनके द्वारा मीटिंग चेयर की गई, और जो तीनों डिफेंस सर्विसेज के वाइस चीफ से उनके द्वारा भी, और डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फिनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर्स वहां उपस्थित थे। तो यहां आपको याद रखना है जब कमांड्स ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो जाएंगे तब वहां पर और भी अच्छी न्यूज हमें कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जनरली ये जो पेज होता है इसमें तो आपको पता है कि पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा होते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आई है कि कॉर्पसेस का मतलब जो मृत शरीर है या फिर जो डेड बॉडीज है, उनको गंगा पॉल्यूशन के लिए जो बात उठी थी कि गंगा नदी में जो बॉडीज मिली थी COVID-19 अफेक्टेड पेशेंट्स की, उनको उनसे गंगा के पानी को क्या हो गया है, गंगा का पानी जो है वो दूषित या अब वहां पर भी इन्फेक्शन फैल गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा है सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में। और ये जो रिपोर्ट है उसके जो स्टडी है, ठीक है, वाटर की जो स्टडी है वह CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च लखनऊ के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और इसमें एक दो चीजें आपको याद रखनी है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वह रेस्पॉन्सिबल है फॉर दिस टाइप ऑफ मैटर्स। यहाँ पर यदि कोई ऐसा मुद्दा आता है पानी से रिलेटेड तो वहां जल शक्ति मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तो बहुत ज्यादा इस पेज में भी मुझे नहीं दिखा। एक न्यूज ये है इंपॉर्टेंट कि अमरनाथ यात्रा को इस साल भी क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया, मतलब अमरनाथ यात्रा इस साल भी नहीं की जाएगी ड्यू टू दिस COVID-19 इफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल पेज में आपको रेजी जी की फिर से फोटो यहाँ दिख रही, इब्राहिम रेजी, और उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो बाइडेन के साथ नहीं करेंगे। आर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी फोटो यहाँ दी हुई है, निकोल पश्मियान, और इन्होंने मेजॉरिटी जीता है डिस्पाइट द वार, मतलब वार के ऊपर जो लोगों का गुस्सा था या पार्लियामेंटेरियन का गुस्सा था तो भी इन्हें क्लियर मेजॉरिटी वहां मिल गई, ठीक है। फिर जो न्यूज और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वह आप बोल सकते हैं कि एक रशियन साइंटिस्ट को जर्मनी ने हेल्प किया है। वैसे ये सारी न्यूज जो है वह पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहती हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपोर्ट्स रिज्यूम हुआ फ्रॉम द गाजा ऑन इसराइल, ठीक है, जैसे इसराइल ने ब्लॉकेट हटाए तो गाजा से जो एक्सपोर्ट्स है वह रेज्यूम किया गया। अब गाजा, इजराइल, ये सारे ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए साइट्स हैं। बिजनेस पेज में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है जो कि हमें कवर करनी है, बस आप यहाँ दो नाम देख लेंगे, सैट और सेबी का। सैट जो होता है वो सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल होता है, और सेबी जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इन दोनों के बारे में आप देख लेंगे। सैट ने ओवर रूल किया है सिक्योरिटी सेबी को, और उन्होंने अलाउ किया है कार्लाइल का जो इन्वेस्टमेंट है इन द पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। इसी पर ही न्यूज है, न्यूज इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, द एजेंसीज आर इम्पॉर्टेंट, और भारतीय एयरटेल और टाटा ने पार्टनर किया फॉर द 5G नेटवर्क सॉल्यूशन। तो कभी वनडे एग्जाम्स या ऐसे एग्जाम जहां पर ये सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप वहां देख लीजिएगा कि कौन कौन किनके किनके बीच पार्टनरशिप हुई फॉर द 5G सॉल्यूशन। तो भारतीय एयरटेल एंड टाटा ग्रुप ऑफ, ठीक है, टाटा ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन आप बोल सकते हैं। फिर हम आगे बात करें तो इसके बाद तो स्पोर्ट्स का पेज आ जाता है, और इंडिया का जो वर्ल्ड टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड कप जो चल रहा है टेस्ट सीरीज का WTC, उसके जो फाइनल का मुकाबला है, दो दिन का जो खेल जरूर हुआ था लेकिन चौथे दिन, मतलब खेल के तीसरे दिन बोलेंगे,
एक भी बॉल नहीं डाली गई क्योंकि वहां बरसात हो रही थी। तो आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। मैं पेपर शाम को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और आप वहां से पढ़ लीजिएगा जो एडिटोरियल मैंने पढ़ने को कहा है। और मैंने आपको कहा है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वहां पर आप उसको जरूर कमेंट करिएगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। तो आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही फ्रेंड्स, आगे कल की न्यूज एनालिसिस में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।